व्यंजन में हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दादे मृतक युवक की पत्नी ने लेनदेन को लेकर आरोप लगाया है कि आरोपियों से घटना के कुछ घंटे पहले ही युवक का विवाद हुआ था। इस पर मृतक की पत्नी ने गांव के 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बुलंदशहर के थाना नरसेना के नरसेना का है यह मामला। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण। क्या मामला हुआ थाने आए? कुछ नहीं हुआ, वो तो खींच कर ले गए, कुछ नहीं हुआ। दिन में सवेरे का टाइम या टाइम हुई है तन मन का, उन्होंने कह देगा तुम्हें बता देंगे हम अभी रोज ही बताब। 6 महीना से सोमवार के दिन मारने को गए बाप बेटा, और मेरा बेटा जब भी घूम फिर कर रास्ता में कर लेकर ही आया मेरा बेटा, और फिर मेरा बेटा रात मार दियो इन्होंने। किन्ने मारा? खेमी ने, खेमी के जो लौंडा ने, दोनों लौंडा है और खेमी है। क्यों मार दिया, क्या मामला है? कुछ भी मामला ना हो, पैसा है 10 लाख है वहाँ पे, उन्हें मांगे हो मेरा बेटा, उन्हें मांगे हो या बात पे मारा मेरा बेटा। पैसा तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के खिलाफ कोई, पुलिस के आपने कोई शिकायत दी है पुलिस को उनके खिलाफ? नाम दर्ज रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट करवाइए नाम दर्ज ऐसा तो, और अब कोई जो किसी ने न्यू कहिए जो ना चल रही रिपोर्ट ना चल रही हो। हाँ कोई कार्रवाई करिए, पुलिस ने पकड़ा किसी को? हाँ पकड़ लियो, एक पकड़ लियो, पर मेरा बेटा था उन्होंने मारा। थाना नरसेना में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। उनके परिवारजनों द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक हैं उनसे गांव के ही कुछ लोगों ने कुछ पैसे लिए थे जो कि वो वापस नहीं कर रहे थे। इसी बात को लेकर के उनका एक दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर भी दी है जिसमें कि उन्होंने ये शंका जताई है कि उसकी हत्या की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर एवं परिवार द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।